एक तालाब में कुल 20 मछलियाँ थी, जिसमें से मछुआरे ने 5 मछलियाँ निकाल ली, 4 मछलियाँ पानी में ही मर गई और 3 मछलियाँ पानी में डूब गई। तो दोस्तों अच्छे से सोचिए और हमें बताइए कि उस तालाब में अभी कुल कितनी मछलियाँ बची होंगी। भाई इस सवाल में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने का है, तो जरा सोचो सोचो और जल्दी से अपना जवाब कमेंट करो। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब देखते हैं। भाई 75% लोगों ने इसका जवाब 11 या 12 सोचा होगा, लेकिन इसका सही जवाब है 15। तो देखिए कैसे, 5 मछलियाँ तो मछुआरे ने निकाल ली, तो उसको आप 20 में से माइनस कर दीजिए तो वो हो जाएंगे 15। और जो 4 मछलियाँ मरी है तो भाई वो भी तो तालाब में ही है ना, और हमने कहा था कि 3 मछलियाँ पानी में डूब गई, लेकिन भाई मछलियाँ कभी डूबती नहीं है, वो तो तैरती है, इसलिए इसका आंसर है 15। एक मम्मी ने मुंबई शहर में अटैक कर दिया था। वो कार को उठा उठा कर फेंक रही थी। सबसे पहले उसने रेड कार उठा के फेंकी, फिर ब्लू कार उठा के फेंकी और उसके बाद एक ग्रीन कार उठा के फेंकी। तो दोस्तों अब आप सोचिए और हमें बताइए कि मम्मी अगली कौन सी कार उठा के फेंकेंगी, ब्लैक, व्हाइट, पिंक या येलो। तो अच्छे से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब देखते हैं। यहाँ पर आप कलर की स्पेलिंग को देखिए, रेड में 3 लेटर्स हैं, ब्लू में 4 और ग्रीन में 5। तो अगली 6 लेटर वाली कार होंगी और वो है येलो कार। दोस्तों क्या आपने ये सही गेस किया था क्या? तो चलिए अब आप सिर्फ 2 का यूज करके 23 कैसे बना सकते हो। इसमें तो भैया आप मैथ का कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। तो अच्छे से सोचिए क्योंकि यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब देखते हैं। देखिए भाई हम मैथ के कुछ सिंबल यूज करके 23 ऐसे बना सकते हैं। तो ये हो जाएंगे 23। दोस्तों पजल पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था, तो उसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आप में से उन 5 लकी विनर के नाम ये रहे, मुस्कान दुबे, आस्तिक गुप्ता, विनोद कुमार, मीनाक्षी गोगिया, अथर्व शाह। दोस्तों आप 5ों को मनोरंजन मसाला की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो जल्दी से कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों पजल नंबर 4 में आज आपको सभी खाली जगह पर एक ही शब्द भरना है। एक लड़की का नाम डॉट डॉट था। डॉट डॉट हमेशा लोगों की डॉट डॉट बनती थी। एक दिन डॉट डॉट कानून की डॉट डॉट बन जाती है, क्योंकि डॉट डॉट तो डॉट डॉट होती है। तो बताओ कि वह कौन सा एक ही शब्द है? तो भाई जरा सोचो सोचो और जल्दी से अपना जवाब कमेंट करो। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब देखते हैं और वह एक ही शब्द है, साक्षी। देखिए भाई एक लड़की का नाम साक्षी था।
साक्षी हमेशा लोगों की साक्षी बनती थी। एक दिन साक्षी कानून की साक्षी बन जाती है, क्योंकि साक्षी तो साक्षी होती है। तो आ गया ना भाई वह एक ही शब्द साक्षी। दोस्तों, क्या आपने ये सही गेस किया था क्या? तो इस बात पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।